हाईवरी वन दिस इज डॉक्टर प्रियंका एंड टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी रियली स्पेशल बिकॉज दिस इज अ स्ट्रैटेजिक वीडियो और हम जानने वाले हैं कि यू जी सी नेट पेपर टू एजुकेशन में आउट ऑफ टू हंड्रेड मार्क्स आपको वन फोर्टी प्लस जो है वो कैसे लेने हैं और अगर मैं पर्सेंटाइल या परसेंटाइल रैंक की बात करूँ तो जस्ट थिंक दैट नाइन्टी एट परसेंटाइल रैंक आपका कैसे आ सकता है आज के वीडियो हम में हम ये देखेंगे तो सबसे पहले जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डैट यू नो यू शुड नो वॉट इज़ नेट तो इसलिए मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो नेट का एग्ज़ाम है यू जी सी नेट ये यूनिवर्सिटी ग्रांस कमीशन जो है वो करवाती है विद द हेल्प ऑफ एन टी ए डैट इज़ द नैशनल टेस्टिंग एजेंसी और ये जो एग्ज़ाम है ये एक तरह का एलिजिबिलिटी एग्जाम है जिसको आप कह सकते हो क्वालिफाइंग एग्जाम जिसको कि जब आप करते हो यू नो कंप्लीट करते हो तो इट मीन्स यू गेट अ सर्टिफिकेट टू बी एलिजिबल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अक्रॉस द कंट्री तो इस एग्ज़ाम को वही दे सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है और उनके मास्टर्स के अंदर जो है 55 परसेंट मार्क्स आए हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बाकी यू नो कैटरीज के लिए फिफ्टी परसेंट इज़ द Norm. तो अगर आपके 50% परसेंट या 55% परसेंट मार्क्स हैं तो आप अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट में जो है यूजीसी नेट में अपियर हो सकते हो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो साल में दो बारी होता है मेनली जून जुलाई में या फिर दिसंबर में सो so, टॉप uh, के जो सिक्स परसेंट होते हैं उनको मिलता है नेट का सर्टिफिकेट और जो टॉप के वन परसेंट होते हैं उनको मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप

पेपर वन और पेपर टू पेपर वन जो है वो कॉमन होता है 83 सब्जेक्ट्स का जी 83 सब्जेक्ट्स जिसके अंदर की जो यूजीसी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो ये सभी के सभी 83 सब्जेक्ट्स का कॉमन पेपर होता है जिसका कि नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें 50 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और पेपर टू होता है स्पेसिफिक आपके मास्टर्स के लिए यानी कि जो हमारा मास्टर्स है वो किसमें है एजुकेशन तो हमारे लिए जो पेपर टू है वो पर्टिकुलरली एजुकेशन के क्वेश्चंस उसमें होंगे और सौ क्वेश्चंस जो है वो इसमें आते हैं यानी कि टोटल पेपर वन और पेपर टू मिला के कितने हो जाएंगे 150 क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चंस जो होते हैं हर क्वेश्चन होता है टू मार्क्स का सो इट मेक्स 300 मार्क्स सो एवरी क्वेश्चन इज ऑफ टू मार्क्स सो द ओवरऑल पेपर इज 300 मार्क्स तीन घंटे का पेपर होता है और सभी के सभी एमसीक्यूज होते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंटलीर इज नो नेगेटिव मार्किंग कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यानी कि अब आपको एक और चीज बता दें ये आपको बताया कि टोटल 150 अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 34 फोर परसेंट इज असाइंड टू पेपर वन एंड सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑफ द क्वेश्चन आर असाइंड फ्रॉम पेपर टू तो देखिए अब क्या है कि जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये नॉर्म बेस्ड टेस्ट है टॉप के 6 परसेंट स्टूडेंट्स को नेट मिलता है टॉप के वन परसेंट को जे और नेट मिलता है लेकिन उससे भी पहले आता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो और एग्जाम देते हो तो आपका जो पेपर है वो एलिजिबल होगा या नहीं नॉर्म में आने के लिए तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लेट्स फाइंड आउट तो जो पेपर वन है और पेपर टू उसमें आपके टोटल अगर एग्रीगेट फोर्टी परसेंट बनता है तो ही आप एलिजिबल होगे सिलेक्शन के लिए ओके okay. और जो अदर कैटेगरीज हैं दैट इज एग्रीगेट ऑफ थर्टी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट इन पेपर वन एंड पेपर टू तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर वन की भी अच्छे से तैयारी करनी है अलॉन्ग विद पेपर टू एजुकेशन सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड तो लेट्स फाइंड आउट सबसे पहले ना जब भी आप मार्क्स की बात करते हो या पर्सेंटाइज स्कोर की बात करते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सिलेबस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली नेट में पेपर टू का जो सिलेबस होता है वो बहुत इलेबोरेटिव होता है और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अपियर करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी एक एक टॉपिक को समझो उसकी सभी यूनिट्स की नेचर को समझो और वही आज मैं आपको जो है बताने वाली हूँ और मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है और किस चीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं करना इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड एंड टू स्कोर 140 फोर्टी प्लस बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क विच द स्ट्रैटेजीज आर गोइंग टू टेल यू सो लेट्स हैव अ लुक एट द टेन यूनिट्स तो यूनिट वन होती है एजुकेशनल स्टडीज जिसके अंदर की फिलोसफी सोशियोलॉजी अलॉन्ग विद द नेशनल वैल्यूज आता है पेपर टू इज अबाउट हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जिसके अंदर वेरियस कमिशन्स रिलेटेड टू एजुकेशन अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स क्या होती है एजुकेशन की क्या पॉलिटिक्स है वॉट पॉलिटिकल थ्यूरीज आर यू नो रिवॉल्विंग अराउंड इट पेपर थ्री यूनिट थ्री सॉरी इज अबाउट लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस यानी कि आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जिसको हम पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते थे फोर्थ यूनिट इज अबाउट टीचर एजुकेशन राइट एवरीथिंग रिलेटेड टू यू नो टीचर एजुकेशन बीट एनसी यू जी सी ऑल ऑफ दैट डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ये सब जो है टीचर एजुकेशन में आता है देन वी हैव द दो फिफ्थ यूनिट विच इज करिक्युलम स्टडीज तो करिकुलम मॉडल्स क्या हैं कैसे डिजाइन किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम मॉडल्स कैसे इनकी इवेलुएशन की, की जाती है वो यूनिट फाइव में आता है यूनिट सिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च इन एजुकेशन क्योंकि आप हायर एजुकेशन का एग्जाम दे रहे हो है ना नेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का तो रिसर्च इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है यूनिट सिक्स इज रिसर्च इन एजुकेशन जिसके अंदर आप टाइप्स ऑफ रिसर्चेस पढ़ते हो सैंपलिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मेथर्ड डेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कंटेंट एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा ये यूनिट सिक्स के अंदर आता है यूनिट सेवन इज पेडोगॉजी एंड्रोगॉजी एंड असैसमेंट इज विच इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स। देन वी हैव टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जिसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी किस प्रकार के स्टेप्स ले रहे हैं एजुकेशन में कौन कौन से एप्स हैं कौन से वेबसाइट्स हैं कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं वो हायर एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन में लिए गए हैं इट विल कम इन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन देन वी हैव एजुकेशनल मैनेजमेंट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अलोंग विद एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है यूनिट नाइन का तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप थ्योरीज़, डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स आते हैं अलोंग विद व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर देयर एंड हाउ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटायर एजुकेशन इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया दैन वी हैव इंक्लूसिव एजुकेशन जिसके अंदर इंक्लूशन की पॉलिसीज़ डायवर्सिटी कैसे हम एजुकेशन के अंदर एम्ब्रेस करते हैं क्या क्या यू एन सी आर पी डी जी जैसे यू नो डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस हैं क्या डब्ल्यू एच हो यूनाइटेड नेशन की है ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है अलॉन्ग विद द डिफरेंट काइंड ऑफ डिसबिलिटीज़ एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असैसमेंट एंड टीचिंग टेक्नीस विद रिगार्ड टू इंक्लूशन एंड ऑफ एजुकेशन इन ऑर्डर टू एम्ब्रेस डायवर्सिटी तो स्टूडेंट्स दस यूनिट्स तो हो गई एज आई टोल्ड यू हार्डवर्क तो हर बच्चा करता है लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा वो है जो पहले एक बार सिलेबस को देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का ईयर से एनालिसिस कर ले और देखे कि ऐसा तो नहीं है कि यू you नो know, कोई यूनिट जो है उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कोई यूनिट ऐसी जिसके अंदर कम पूछे जा रहे हैं। वैसे तो यूजीसी जो अगर आप गाइडलाइंस पढ़ें तो हर यूनिट में से दस क्वेश्चंस जो है पूछे जाने चाहिए यानी वी हैव गॉट टेन यूनिट्स सो टेन क्वेश्चंस ईच शुड बी आस्ट फ्रॉम एवरी यूनिट बट ऐसा नहीं होता है देर आर सर्टेन यूनिट्स जो हम आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एनालिसिस है दो से लेकर टू तक हर यूनिट का आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्ड पर यूनिट यहां पे आई हैव रिटर्न न हैव अ क्लियर कट रिसर्च यू नो डेटा एंड अंडरस्टैंड क्या आप देख सकते हो सिक्सटीन ट्वेंटी क्वेश्चन सिर्फ फोर क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया तो लेट्स यू नो मैं इस सबका एवरेज आपको दिखाती हूं ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा तो पिछले आप ये देख लीजिए फ्रॉम टू थाउजेंड एंड सेवनटीन क्या एवरेज निकल के आती है हर यूनिट की तो आप देख सकते हो यूनिट वन विच इज एजुकेशनल स्टडीज इसमें मिनिमम 12 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं और 14 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं मतलब ये एवरेज है ज्यादा तो बहुत ही हो जाता है कभी कभी 18 19 क्वेश्चंस भी जो है वो यू you नो know, पूछे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेल्व क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे जाएंगे और फोर्टीन क्वेश्चन तक एवरेज जाता है यूनिट वन में से देन वी कम टू हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स अगेन अ मिनिमम ऑफ हंड इलेवन क्वेश्चन एंड एवरेज जाता है थर्टीन का ज्यादा भी जा सकता है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में से देखा गया है एवरेज नाइन क्वेश्चन जाते हैं इलेवन तक भी जाते हैं ये आई एम टेलिंग यू दिस इज माई एनालिस पेपर फ्रॉम टू थाउजेंड एंड सेवनटीन राइट तो ये एवरेज है आई एम नॉट कि इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सिर्फ एक रिसर्च का डेटा जो है वो मैं दिखा रही हूं देन इज टीचर एजुकेशन ये यूनिट जो है आजकल कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रही है और ये हमने पाया है कि 13 questions तो मिनिमम इससे इससे पूछे जा रहे हैं 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 तक भी पहुंचे जाते हैं। कभी -कभी भी जाते कभी-कभी ज्यादा पूछ लेते हैं ये लोग स्टडीज़ में देखा गया है Last 2017 रिसर्च में इलेवन टू थर्टीन टू थाउजेंड एटीन में ट्वेंटी एट क्वेश्चन पूछे गए थे रिसर्च स्टूडेंट्स इस यूनिट में हिस्ट्री अलोंग विद टीचर एजुकेशन एंड पेडागोजी एंड एंड्रोकॉजी क्योंकि ये तीनों यूनिट्स जो है वो रिलेटेड हैं तो इनको मिला के ट्वेंटी फाइव टू थर्टी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिकॉज दिस यूनिट इज वेरी कॉमन टू दिस एंड वेरी वेरी कॉमन टू दिस और राइट देन वी हैव आई सी टी और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जिसमें से एट टू टेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट uh, नाइन में से सेवन टू नाइन क्वेश्चन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में से अगेंस्ट सेवन टू नाइन क्वेश्चन सो वी लर्न फ्रॉम दिस इतना रिसर्च जो किया है उससे क्या सीखा है हमने? हमने ये सीखा है कि जो यूनिट्स ज्यादा फोकस की जा रही है उनके ऊपर आपको ज्यादा स्टडी करनी है उनके टॉपिक्स जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं तो चलिए अब मैं आपको ना दिखाती हूँ कि यूनिट्स को हम प्रायरिटी वाइज लगाते हैं अभी तो हमने उनको सीरियल नंबर वाइज देखा सीरियल नंबर वाइज देखा कि कैसे आ, कौन सी यूनिट में से क्या एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बताती हूं कि क्या जो है यूनिट्स uh, you know, में आप कैसे उनको प्रायोरिटी वाइज लगा सकते हो तो आप देखिए कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे यूनिट है यानी कि किसी भी हालत में यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इवन वन टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट ऑल्सो दैट इट इज वेरी सब्जेक्टिव इज यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये बेस होता है यही नहीं जो बच्चे सी में अपियर होते हैं या बैचलर्स का एग्जाम देते हैं यू नो इट दैट एजुकेशनल स्टडीज विच इज एजुकेशनल फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी जिसको कहा जाता है कि बेस ऑफ एजुकेशन राइट थ्योरी ऑफ एजुकेशन जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस साइड जो है वो मैनिफेस्ट जो है वो करते हैं सो एजुकेशनल स्टडीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोड बाय एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड ऑल्सो टीचर एजुकेशन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड पेडोलॉजी एंड्रोगलॉजी एंड असेसमेंट ये क्योंकि रिलेटेड है इसलिए मैंने इनको क्लब किया है इकट्ठे उसके बाद आ रहा है रिसर्च इन एजुकेशन चौथे नंबर के ऊपर साइकोलॉजी जैसे आपके सी में बी एड एग्जाम्स में जो है साइकोलॉजी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखा गया है नेट में जो है रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस होता है एज कंपेयर टू साइकोलॉजी सो लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट

टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो इसमें लेटेस्ट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है गेटिंग इट फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल स्टडीज की बात करूँ या मैं टाइप्स ऑफ रिसर्चेज की बात करूँ या मैं लर्निंग थ्यूरीज की बात करूँ तो दीज थ्यूरीज आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बट अगर आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इज वन यूनिट विच इज एक्सपैंडिंग इसकी कोई लिमिट नहीं है राइट सो यू हैव टू इन्श्योर कि आपकी इसके अंदर लेटेस्ट नॉलेज है देन इज एजुकेशनल मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द प्रायोरिटी वाइज लिस्ट which i have shared with you now अब आपको यह बताती हूं मैं कि नेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बताती हूं कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली इस रेशियो के ऊपर चलते हैं या इस पैटर्न के ऊपर चलते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर टू एजुकेशन जिसके अंदर सौ so क्वेश्चन है सो जनरली पैटर्न देखा गया है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वेदर डेट इज सी सेट रिलेटेड यूपीएससी और रिलेटेड टू नेट कि ये वाला जो नंबर है ये फॉलो जाता है यानी फिफ्टी होते हैं एवरेज क्वेश्चन जिसको हर एवरेज बच्चा कर सकता है उसके बाद हायर डिफिकल्टी इंडेक्स के आते हैं थर्टी क्वेश्चन सौ क्वेश्चन है ना पेपर में पचास आ गए बिल्कुल एवरेज थर्टी आएंगे डिफिकल्टी लेवल के ओके okay? और ये जो होते हैं देखा गया है ये एकदम से आपको चौंकाने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी आउट ऑफ द सिलेबस आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर हाई डिफिकल्टी तो आपका जो सिलेक्शन है ना वो डेटामाइंड करता है ये और ये क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स जो है उसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं उसका रीजन ही होता है कि ये इतने हाई लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग सो इजी दैट इट इज इन द प्लैटर और आप उसको एज इट इज कर लो तो डिफिकल्ट बनाने के लिए अराउंड आप मान के चलिए ट्वेंटी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी जो है वो सरप्राइज करेंगे तो सीख क्या मिली कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन थर्टी क्वेश्चंस के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है यही नहीं वो ट्वेंटी क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में देखते हो जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है या या बहुत ज्यादा एनालिटिकल सब्जेक्टिव है तो आपको चो करना नहीं नहीं होना होना क्यों क्योंकि ऑलरेडी आपको जो यू नो पैटर्न सेट किया जाता है क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम वो हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू नाउ तीन प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन में एक होते हैं फैक्चुअल जो कि फैक्ट बेस्ड है जो चेंज नहीं होता राइट For exam, uh, for example, National Council for Teacher Education. When established, statutory body? So you have these fact-based questions, Newton's third law of motion, which is not related to education, but I'm just telling you universal facts. Okay. Then we have conceptual questions. लर्निंग थ्योरीज की बात कर लो जहाँ पे थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी जो है वो आ जाती है राइट आइडियलिज्म के ऊपर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बात करें सो कॉन्सेप्चुअल एंड देन वी हैव एनालिटिकल जहां पे आपको एनालिसिस करना होता है तोड़ तोड़ के स्पेशली जैसे एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपको एनालिटिकल दे विल ट्राई टू सी योर रीजनिंग दे ट्राई टू सी योर कॉम्प्रीहेंशन दे विल ट्राई टू सी कि आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, राइट right? तो जो कॉम्प्रीहेंशन भी आती है ना हमेशा याद रखिए एक कॉम्प्रीहेंशन आती आती है वो किसी भी यूनिट से आ सकती है राइट right? तो वो जो कॉम्प्रीहेंशन होती है वो भी एनालिटिकल बेस्ड होती है सो स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टंड जो अब फैक्चुअल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल ये तीन प्रकार के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैक्सिमम देखा गया है पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे फिलोसफीज एंड थिंकर्स यूनिट वन में कौन सी हैं वो फिलोसफीज अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं तो आइडियलिज्म जो कि आप सब जानते ही हो मार्क्सिज्म अगर वेस्टर्न फिलोसफीज की मैं आप बताऊं प्रेगमेटिज्म प्रेगमेटिज्म के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राइट देन वी हैव रियलिज्म तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो यूनिट वन है उसमें से इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज हैं जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है अलोंग विद इट वी कैन नॉट मिस नेचुरलिज्म आल्सो हाउएवर देखा गया है कि नेचुरलिज्म में इतने क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे गए सो so, ये हैं वेस्टर्न फिलोसफीज जो है वो आपको करनी है इंडियन फिलोसफीज की बात करें तो वेदांत बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद सांख्या के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है ये आप ध्यान दीजिएगा ठीक है वेदांत हो गया सांख्या योग फिलॉसफी उसके बाद जेनिज्म बुद्धिज्म क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं इसके अलावा इस्लाम भी है तो ये हो गए आपके वेस्टर्न एंड इंडियन आइडियोलॉजीज इसके बाद आते हैं थिंकर्स तो अगर आप यू नो वेस्टर्न थिंकर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स राइट इट डाउन पोलो फ्रायर जब से नेट के सिलेबस में आया है पिछले बारह पिछले बारह सालों से इनके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आया ही आया है आई से एक मतलब मिनिमम तीन क्वेश्चंस तक आए हैं राइट सो पोलो फ्रायर है मेरी वोल क्राफ्ट जो है वो है अलोंग विद नेल नोडिंग्स इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आते हैं इंडियन थिंकर्स में गांधी जी हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं टेगोर इज देर सावित्री भाई फूले इज देयर जीदू कृष्णमूर्ति के ऊपर इस बारी जून 2023 में तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे तो ये रहे आपके थिंकर्स राइट right? फिर उसके बाद अगर मैं आपको रिसर्च यूनिट की बात बताऊं तो रिसर्च के अंदर देखा गया है कि टाइप्स ऑफ रिसर्चेस पे क्वेश्चन आता है सैम्पलिंग के ऊपर आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है और स्टैंड बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं जिसके अंदर आपका एनोवा टी टेस्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ये सब आता है राइट एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी टू लर्निंग थ्योरीज स्पेशली देखा गया है कि पियाजे की हमेशा ऑलमोस्ट किसी ना किसी फॉर्म में पूछी जा रही है पर्सनालिटी में बोल बताऊं तो मैक्सिमम जो है जो सबसे ज्यादा आजकल फोकस की है वो है फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन के ऊपर क्वेश्चन लिए हैं ये नहीं है कि आपको यही लर्निंग थ्योरी करनी है राइट right? तो डिफरेंट डिफरेंट है इंटेलिजेंस आते आते थ्योरीज इनके ऊपर तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये यूनिट में से कोई भी इंपॉर्टेंट थ्योरी मिस नहीं करनी है इसके अलावा स्टूडेंट्स काउंसलिंग के ऊपर काउंसिलिंग टाइप्स ऑफ काउंसिलिंग आरई बी टी ऑल ऑफ दैट इसके ऊपर देखा गया है बहुत ट्रेंड कर रहे हैं क्वेश्चन तो ये भी टॉपिक आपको करना है देन एज आई टोल्ड यू कमेटी कमीशंस पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन जैसे कि uh, मुदलियार कमीशन राइट right? अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क माई वर्ड्स टू क्वेश्चन मिनिमम तो वेन आई टॉक अबाउट टू क्वेश्चन मिनिमम मतलब दो से अधिक आ सकता है दो तो आएंगे आएंगे और ये टॉपिक जो है आपके पेपर वन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर वन में जो यूनिट टेन है हायर एजुकेशन वो इसी से रिलेट करती है सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद इट कोठारी का मिशन हो गया एन पी की पॉलिसी एन पी की पॉलिसी मुदलियार कमीशन राइट राधा कृष्ण का हो गया ऑल ऑफ दैट ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉलिसीज भी आपको बता दिया कि अभी तक जो पॉलिसीज आई हैं प्लीज मिस मत करिएगा एनपीई 1968 के क्या पॉइंट्स है आपको पता होना चाहिए उसके बाद जो पॉलिसी आई थी वो आई थी 86 में जिसको रिवाइज किया गया था 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन में और जो अभी वाली जस्ट अभी मैंने आपको बताई है लेटेस्ट कौन सी है नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी ऑल राइट देन इंक्लूशन इनिशियटिव क्या क्या इंक्लूशन के लिए आ, या डाइवर्सिटी को इम्ब्रेस करने के लिए इंडिया के अंदर यू नो नॉर्म्स लिए गए हैं या इनिशिएटिव लिए गए हैं आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी डिजिटल डिपोजिटरीज हैं स्पेशली ए बी सी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है राइट right? आज कल तो आपको पता ही है कि uh, जो स्टूडेंट्स हैं उनके आई डी कार्ड जो है वो बन गए हैं आपार कार्ड उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एम टेलिंग यू वेरी वेरी यू नो मच एन एडवास देन लीडरशिप थ्यूरीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा एडमिनिस्ट्रेशन uh, के ऊपर आ जाता है मैनेजमेंट में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यू नो ऑल ऑफ बाई ऑब्जेक्टिवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच स्टूडेंट्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ओके इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं आई एम रिपीटिंग माइ सेल्फ दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट इनके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है राइट सो चलिए अब मैं आपको कुछ स्केड्यूल बताती हूं अगर तो आपके पास अभी बहुत टाइम है जो कि अभी हमारे पास है नहीं वी जस्ट हैव वन अ लिटिल मोर देन वन मंथ लेफ्ट फॉर द एग्जाम अदरवाइज वो सभी स्टूडेंट्स जो यू नो छः महीने का यू नो लेके चल रहे हैं मोटो लाइक फॉर एक्जाम्पल जिन्होंने टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर में अपियर होना है तो स्टूडेंट्स दिस इज द टाइम टेबल विच आई सजेस्ट फॉर यू राइट आपको पेपर वन और पेपर टू इकट्ठा लेके चलना है एक नॉर्मल सी बात बताती हो ठीक है जब आप स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो पेपर टू के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और पेपर वन पर पे इतना फोकस नहीं करते कि भाई पचास क्वेश्चन है वट दे फेल टू अंडरस्टैंड पेपर वन का अगर आप सिलेबस देखोगे ना वो दो तीन पन्ने का है क्योंकि वो जो दो तीन पन्नों का सिलेबस है ना वो ओपन एंडेड स्टेटमेंट है और जब भी ओपन एंडेड स्टेटमेंट होता है मतलब दे आर लेटिंग इट लूज कोई डिलिमिटेशन नहीं लगा रहे सो so, उसको मैनेज आपको करना है स्टूडेंट क्या करते हैं पेपर uh, टू से शुरुआत कर देते हैं राइट right? क्योंकि मास्टर्स उसमें है, सो so, आपको समझना है कि भाई पेपर टू आपको ऑलरेडी थोड़ा सा आता है आपको उसको पढ़ना है लेकिन ये नहीं कि हम सिलेबस खत्म करेंगे और फिर हम पेपर वन को पढ़ना शुरू करेंगे ये बहुत बड़ी गलती है मैंने अपने करियर के अंदर इतना देखा है गॉट रिपोर्ट कार्ड जो होते हैं यू नो जिसके अंदर आपके रिजल्ट्स मेंशन होते हैं रिजल्ट कार्ड्स इनफैक्ट नाइन्टी नाइन परसेंट स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है एजुकेशन में या बाकी पेपर टू सब्जेक्ट्स में और उनके पेपर वन में फोर्टी परसेंट जो है वो नहीं आ पाए सो डैट इज वाई आई एम टेलिंग यू प्लीज इनको जो है आपको पैरलली पढ़ना है नॉर्मल सी बात है कि आप पेपर टू को ज्यादा टाइम दोगे बट पेपर वन को आपको इग्नोर नहीं करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कुछ टिप्स जो ऑलरेडी प्रूवन है वो ये कि जब भी आप क्लास ले टीचर की एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट स्पेसिफिक नॉट योर मास्टर्स क्लास ओके पेपर वन या पेपर टू जब भी टीचर पढ़ा रहा हो तो अपने डिवाइसेस को लेके आपको लेटना नहीं है ओके okay? सिर्फ उसको देख के स्क्रीन नहीं लेने हैं आपने राइटिंग स्किल्स के साथ आपने नोट्स बनाने हैं क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो आपके कॉग्नेटिव स्किल्स आपके अफेक्टिव और आपके जो साइकोमोटर स्किल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और जब ये तीन डोमेन्स इन्वॉल्व हो जाए तो आपकी लर्निंग होती है राइट right? और टीचर अगर आपको कोई पॉइंट बता रहा है तो मान के चलिए कि वो क्या है वो आएगा ही आएगा अनइंपॉर्टेंट के ऊपर वो इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है ठीक है तो ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी होती है एज आई टोल्ड यू सेल्फ मेड नोट्स कैसे बनाओगे वो मैं आपको आगे, आगे बताती हूँ नोट्स के बाद आती है बारी कॉन्सेप्ट मैपिंग की नोट्स को आप फिर थोड़ा सा सब्जेक्टिव बनाते हो राइट right? शॉर्ट बनाते हो बट सब्जेक्टिव बनाते हो तो जब आप पढ़ लेते हो नोट्स बना लेते हो नोट्स को भी जब आपको शॉर्ट करना होता है ना तो फिर आप कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है वो करते हो यू नो एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली इज रिवीजन रिवीजन के बिना किसी भी स्टूडेंट का पेपर क्लियर नहीं हो सकता ओके okay? कहा जाता है मैं कोट करना चाहती हूं uh, कि आपका जो तैयारी होती है फॉर एग्जाम्पल सम्बड यूज एक्सिलेंट तैयारी इन योर यू नो फॉर योर पेपर वो तैयारी ना थर्टी फाइव परसेंट आप मान के चलिए जो आपकी तैयारी है वो आपकी सक्सेस में थर्टी फाइव परसेंट जो है वो रोल uh, प्ले करती है राइट टेन टू फिफ्टीन परसेंट आप कह सकते हो चलो लक फैक्टर जो लोग मानते हैं ठीक है नहीं तो वो इसी में काउंट कर लें और आपका जो फिफ्टी परसेंट का जो सक्सेस है एग्जाम में जो फिफ्टी परसेंट सक्सेस है ना वो डिपेंड करता है आपके रिविजन के ऊपर आपके प्रैक्टिस के ऊपर और रिविजन कितनी बारी होनी चाहिए अगर आप मेरी बात माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मिनिमम नाइन टू टेन टाइम्स यस नाइन टू टेन टाइम्स राइट एंड आई टोल्ड यू मेंटेनिंग रिफ्लेक्टिव जर्नल रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है जिसके अंदर आप लिखते हो कि मेरी यू you नो know, ये यूनिट है इसमें से स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है वीक एरिया कौन सा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे जैसे यू you नो know, प्रोग्रेस कर रहे हैं आप हमेशा उनको लिखिए तो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चा कौन है जो सिलेबस अच्छे से पढ़ता है यूनिट्स जो हैं आप इफ यू वॉन्ट टू टेक दिस यू नो स्क्रीन शॉट ऑफ द स्लाइड आई शोड यू यू कैन टेक दैट यूनिट्स आपको पता चल गया प्रायोरिटी वाइज कौन सी आई गई हैं या यू you नो know, आपको बता दिया है मैंने आ, तो आप यूनिट्स को उस वे में भी लगा सकते हो या आप अपनी चॉइस के अनुसार भी लगा सकते हो कि कौन सी आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं और कौन सी आपके वीक यूनिट्स हैं और उसमें से ना आप कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो जैसे कई बच्चे रिसर्च में स्टार्ट्स में वीक होते हैं राइट तो स्टार्ट्स आपका वीक एरिया हो गया और आपके स्ट्रॉन्ग एरिया फॉर एग्जांपल थ्योरी हो गया सो यू शुड नो कि स्टैट्स को मुझे इम्प्रूव करना है तो वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम लोग ना प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं सोचते बहुत हैं और आपको ये समझना है कि यहाँ पे सोचने की गेम नहीं है यहाँ पे है क्लियरली डीलिनिएट करने की जरूरत क्लैरिटी ऑफ माइंड दिस इज माय स्ट्रॉन्ग एरिया आई हैव टू मेक इट फर्दर स्ट्रॉन्ग दिस इज माई वीक एरिया आई हैव टू अपलिफ्ट इट ओके उसके बाद अगर टाइम है आई एम राइटिंग इफ यू हैव

जस्ट प्रोवाइड करता है बट क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी को भी इंपॉर्टेंस देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप बुक भी पढ़िए क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके मास्टर्स के एग्जाम में भी यू you नो know, काम आएगी तो मास्टर्स में आपको पता है अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपके मास्टर्स कंप्लीट हैं 55 फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट अगर आप दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो भी आप जो है वो नेट दे सकते हो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर अभी क्योंकि वन मंथ रह गया है सो आई एम बींग वेरी क्लियर अबाउट इट कि अभी आपको रिविजन सिर्फ और सिर्फ नोट्स से करनी चाहिए और अभी क्योंकि वन मंथ रह गया है इसको मैं काट देती हूँ यहाँ पे अगर वन मंथ रह गया है तो आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स नोट जो कि आपने किससे बनाए हैं जो आपको नोट्स क्लासरूम प्रोग्राम्स में मिले हैं उनसे या आपने जो एक बुक जिसको पढ़ा उसमें से नोट्स बनाए ठीक है जो आपको क्लासरूम में क्लासरूम uh, प्रोग्राम के नोट्स मिलते हैं उसमें उसको भी आपने अपने you know, वे में लिखा आप वहां से जो है वो रिवाइज करेंगे किसी और सेकंड सोर्स पे आप नहीं जाओगे वन बुक जहां से खुद के नोट्स बनाए आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो एंड दैट्स अबाउट इट नो अदर थर्ड सोर्स राइट देन एक एक दिन का टाइम टेबल बनाइए स्टूडेंट्स एक एक दिन का एक दिन भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए कैसे आप पेपर वन को टाइम दोगे कैसे आप पेपर टू को दोगे इट शुड बी क्लियरली डिलटेड इन टाइम टेबल इन योर नोटबुक्स एंड डिसिप्लिन ये नहीं कि आज मन नहीं कर रहा तो नहीं पढ़े ऐसा नहीं है देखिए इंडिया के टॉप के छह परसेंट स्टूडेंट्स में आना है परसिवियरेंस यानी कि तब आपको करना पड़ेगा रोज डिलट करिए कि इससे इस, इस घंटे मैं पढ़ूंगी या yeah, आप यू नो स्पेशली वैन यू डू नॉट हैव नो टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम सो यू कैन स्टिक टू द टाइम इन केस वी हैव स्टूडेंट्स हुआ मैरिड हुआ वर्किंग तो आप ये मान के चलो कि मुझे एक से दो घंटा पेपर वन को देना है दो से तीन घंटा पेपर टू को देना है जो भी टाइम आपको सूट करे राइट बट right? उस केस में आप ज़रूर कॉन्सेप्ट लिख लो कि आज के दिन में इतना पढ़ूँगी या पढ़ूंगा और प्लीज़ सोने से पहले इंश्योर करो नींद बेशक थोड़ी कम ले लो लेकिन उन कॉन्सेप्ट को जो है आप ज़रूर करके सो ये सो एज आई टोल्ड यू लर्निंग सोर्सेज आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली नेट के लिए क्या करना है स्टैंडर्ड बुक्स आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट अबाउट इट बट द फैक्ट इज वी गॉट सो मेनी बुक्स इन द मार्केट राइट सो प्लीज टेक अ बुक विच इज जस्टिफाइंग चू योर कॉम्पेटिटिव एग्जाम यानी कि ऐसी किताब जो सबसे पहले प्रोफेशनली लिखी गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसके अंदर एक एक टॉपिक जो है वो कवर किया गया है एंड दिक्लेम्ड और राइट सो स्टैंडर्ड बुक राइट और जो आपके हम अभी लाइव क्लासेस करवाएंगे तो उसमें जो आपको नोट्स बनाने हैं और जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो और इस टाइम पे मैं ज्यादा फोकस इसके ऊपर करूँगी और अगर आपके पास एक बुक है दैट इज ट एग्जाम okay. so, में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टेंट को जानना अच्छे से उसके बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए उसके बाद से प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप सपोज आपने मेरे साथ कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा इस क्लास में तो आप नोट्स तो बना रहे हो छोटे छोटे जॉट डाउन कर रहे हो रात को सोने से पहले आप क्या करोगे उसको फेयर नोट्स में तब्दील करोगे आपकी प्रैक्टिस होगी राइट right? और फिर उसके बाद एज आई टोल्ड यू रिविजन 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते रहो और अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है एवरी थर्ड डे और फोर्थ डे यू मस्ट गो थ्रू योर कॉन्सेप्ट मैप्स राइट और उसके बाद तो आप जानते ही हो आप अपियर होगे टेस्ट दोगे मॉक टेस्ट दोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट करोगे और आपको क्या होगा सक्सेस मिलेगी आप सक्सेस का जो झंडा है यूजीसी नेट का वो गाड़ लोगे सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इफ यू वांट टू बी द फ्लैग बियर ऑफ यूजीसी नेट जे आर एफ यू हैव टू एंश्योर दैट यू वर्क नॉट जस्ट हार्ड बट वेरी वेरी स्मार्ट एंड आई टोल्ड यू द रियल गेम स्टार्ट्स उथ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने के भी बहुत बहुत तरीके हैं ऑफकोर्स एज आई टोल्ड यू नोट्स कॉन्सेप्ट मैप्स स्टैंडर्ड बुक के बारे में आपको बता चुकी हूँ अब न इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आपने देखा शुरुआत में मैंने आपको प्रायोरिटी में यूनिट्स बताई आपको मैंने यू नो टेबल बताया कि इस साल में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट हैज गॉन इन टू इट सो कहाँ से की वो रिसर्च ये सब पढ़ के राइट टू थाउजेंड ट्वेल्व ऑनवर्ड्स जो है क्वेश्चन uh, पेपर्स आपको पता होने चाहिए कि किस प्रकार से यू नो यू के सिलेबस uh, में थोड़ा सा बदलाव आया है बदलाव आने के बावजूद कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो तब भी पूछे गए 2017 में हल्का सा फिर आया था सो so, आप क्या करते हो जब एनालिसिस करते हो अभी तो देखिए 2017 करना ही मैं आपको बोलूंगी क्योंकि टाइम कम रह गया है बट इफ यू हैव टाइम लाइक सिक्स मंथ सेवन मंथ्स एंड यू वॉन्ट टू वेरीफाई तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो चेक करो 2012 में एजुकेशनल स्टडी से कितने क्वेश्चन आए थे आर दिस स्टिल कमिंग इन 2022, थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू स्टिल कम इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री इफ येस यू कार अफोर्ड टू मिस सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पेशली अभी अभी के लिए टू थाउजेंड सेवेंटीन ऑनवर्ड्स जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दो मॉक्स में अपियर हो क्योंकि मॉक्स जो है आपको जैसे सी मोड जो है यू नो आपका पेपर होता है कई स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं और वो घबरा जाता है क्योंकि उन्होंने मॉक्स नहीं दिए होते सी मोड में तो जब आप मॉक्स देते हो तो इससे आपका टाइम प्रैक्टिस यानी कि जो आपका टाइम लिमिट है थ्री आवर्स का टाइम मैनेजमेंट हो जाती है सी मोड की प्रैक्टिस हो जाती है एंड ऑफ कोर्स यू गेट अ रियल लाइफ यू नो एक्सपीरियंस एंड देन इज रैपिड कोर्स जिसको कि आई ऑल्सो कॉल एज स्कोर बूस्टर जिसमें कि आई विल बी ब्रिंगिंग एवरी डे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एवरी यूनिट उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पिछले दस सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जिसको माइक्रो एनालिसिस करके आई विल बी ब्रिंगिंग द फॉर यू एवरी तो इसको आपको अटेंड करना करना ही करना है टेस्ट भी आप जो देंगे प्रैक्टिस के लिए रिविजन के लिए टॉपिक वाइज एज आई टेल यू टॉपिक वाइज फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ रिसर्चेस के ऊपर कितने क्वेश्चन आए राइट सैम्पलिंग के ऊपर कितने क्वेश्चन आ गए तो इसे कहा जाता है टॉपिक वाइज देन यूनिट वाइज फॉर एग्जाम्पल यूनिट फॉर टीचर एजुकेशन ऐसे करो और फिर मॉक टेस्ट जिसमें सभी के सभी दस यूनिट्स को आप इकट्ठे प्रैक्टिस करोगे सो so, यूनिट टेस्ट दे सकते हो आप एक एक यूनिट कवर करने के बाद अदरवाइज माइक्रो स्टडी करने के लिए जो कि मैं आपके लिए रैपिड कोर्स में लेके आऊंगी टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज आपको पूरे के पूरे सिलेबस को आई विल बी कवरिंग विद यू राइट एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं 150 क्वेश्चंस इन थ्री आवर्स तो आपको पता है अगर आप लॉजिस्टिक्स में डेप्थ में जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं वन मिनट ट्वेंटी सेकंड्स सो वन मिनट ट्वेंटी सेकंड्स आपको मिलते हैं तो अगर आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो एनश्योर थ्री आवर्स से ऊपर मत जाओ लेकिन मैं आपको हमेशा यही सजेशन दूंगी कि आप इसको ना वन मिनट हर क्वेश्चन को वन मिनट दीजिए सॉल्व करने के लिए ओके सो इट मींस अगर आप वन फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पेपर वन पेपर टू मिला के प्रीवियस क्वेश्चन तो गिव योर सेल्फ वन फिफ्टी मिनट ओनली उसका रीजन क्या है कि जो बफर मिनट है ट्वेंटी मिनट्स का आई लीव इट क्योंकि एग्जामिनेशन डे में आपका यू नो सेटलमेंट के लिए आपको टाइम लगता है कई बच्चे एंशियस होते हैं क्यूरियस होते हैं तो वो क्यूरोसिटी सेटल डाउन करनी होती है बैलेंस ऑफ माइंड से ये होता है क्वेश्चन पढ़ रहे हो कभी कभी बहुत एनालिटिकल आते हैं कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा टाइम हर एनी वन यू नो एनी बडी हुट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट और सम बडी हुपेयर एट ऑल दे टेक टाइम सो आई ऑलवेज से कि टू ट्वेंटी थर्टी मिनट्स जो है वो आपका बफर लेके रखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और हर क्वेश्चन पे अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो क्वेश्चन ही बचेंगे नहीं है ना क्वेश्चन को आप मार्क करोगे उनके लिए आपको टाइम ही नहीं रहेगा आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल वन फोर्टी क्वेश्चन किए और टाइम हो गया और बाकी के जो दस क्वेश्चन वो आपको आते थे लेकिन क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया आप उनको मार्क नहीं कर पाओगे सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही नहीं कि सिर्फ आप पेपर के टाइम पे टाइम मैनेज करो अभी से एज आई टोल्ड यू आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखना है प्रायोरिटाइज करना है टास्क को आइडेंटिफाई करिए लेस इंपॉर्टेंट एरियाज आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बता दिए हैं जो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं प्रायोरिटी वाइज यूनिट भी बता दी है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है टाइम वेस्टेज नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें से कभी एक भी क्वेश्चन ना पूछा गया हो बहुत कम पूछे गए हैं जैसे कई टॉपिक है मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज यू नेवर नो है ना एनी क्वेश्चन कैन क्रॉप फ्रॉम एनी पर्टिकुलर टॉपिक सो स्टिल यू हैव टू सी दैट देर आर स्टिल टॉपिक्स जिसपे इतना फोकस नहीं किया सो so उसके ऊपर अगर आप एक, एक दिन लगा रहे हो तो वो टाइम वेस्टेज होगी वो नहीं करना है जो आपका सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम फेसबुक थोड़ा सा कम देखिए एग्जामिनेशन में मैं तो बोलती हूँ कि अवॉइड ही कर दीजिए है ना अनइंस्टॉल कर दो और पावर टेस्टिंग एज आई टोल्ड यू विद द हेल्प ऑफ मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मेंटेनिंग टाइम आई होप यू नो पावर टेस्टिंग इज नॉट अबाउट योर स्पीड इट इज़ अबाउट हाउ यू पुट योर एफिशियंसी टू वर्क हाउ यू पुट योर एक्सपर्टीज यू नो वाइल सॉल्विंग द पेपर विदाउट हैविंग द प्रेशर ऑफ टाइम ऑन योर माइंड ऑल राइट स्टूडेंट्स दो तरह होते हैं एज आई टू तरीके पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी और एक कोच के साथ प्रैक्टिस करना कोच की इंपॉर्टेंस बहुत होती है बिकॉज कोच की जो हैप्पीनेस होती है एज आई ऑलवेज बिलीव यू नो आर टू पीपल और टू सेट्स ऑफ रिलेशन विच ऑलवेज आर हैप्पी फॉर योर सक्सेस वन इज योर पेरेंट्स द अदर आर योर कोचेस क्योंकि हमारी मैं टीचर्स बोलूंगी टीचर्स की खुशी क्या होती है हम लोग क्यों पढ़ाते हैं ताकि आपकी सिलेक्शन हो राइट right? सो so, and when we teach here, we teach based on researches, based on in-depth analysis of so many, uh, you know, concepts, so many previous year question paper, syllabuses, uh, you know, uh, having read from different, different multiple resources, enriching resources. so definitely jo ek coach hai uski importance बहुत होती है इन exams को crack करने में, बहुत time waste होने से बच जाता है, कोच जो है वो आपको strategies भी बताते हैं, important topics भी बताते हैं, so I

है ना पीएचडी किया है या नहीं किया पीएचडी के ऊपर सब ज्ञान बांट रहे तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है आपको अपने सोर्सेस को सिफ्ट करना होगा आपको अपने सोर्सेस को डीलिमिट करना होगा और अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी टेबल स्टडी प्लान फॉलो नहीं कर रहे हो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हो आपको क्लियरिटी नहीं है कौन से दिन आप कौन से कॉन्सेप्ट को कवर करोगे रिवाइज करोगे और अगर आप परसिवियरेंस यानी तप नहीं रहेगा आपके अंदर डीमोटिवेट हो जाओगे और अगर इनडिसिप्लिन हो गए या एक दो दिन रेस्ट लेके दोबारा अगर पढ़ाई ट्रैक पे नहीं आए तो इट विल लीड टू नॉट मेनी गुड चांसेस ऑफ सक्सेस मुझे फेलियर शब्द अच्छा नहीं लगता सो आई होप यू वन डूड सो इफ यू ऑलवेज यू नो गो फॉर अ कोच लेट मी टेल यू यू हैव टॉपिक वाइज सिलेबस कवरेज स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलता है डिसिप्लिन कॉन्सिस्टेंसी बिकॉज एवरी डे क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं सो ऑलमोस्ट इवन इफ यू मिस फॉर योर सेल्फ स्टडी योर कोचेस लाइक मी स्पेश हम लोग तो जबरदस्ती पढ़ाते डांड डांड के भी पढ़ाते so वो आती है और वो आप लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू जो है आपको वो प्रैक्टिस करने को मिल जाता है रिविजन होती है प्रैक्टिस होती है जो कि हम स्पेशली अभी आपको रैपिड कोर्स जो स्कोर बूस्टर होगा उसमें करवाएंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट इट और ये आपका जो है आपको डेफिनेटली नेट और जे आर एफ के अंदर सक्सेस जो है वो मिलेगी सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट इट दिस वॉज द मैजिक पिल मैं इस स्ट्रैटेजी को जो है वो मैजिक पिल बोलती हूँ इस पर्टिकुलर मैजिक पिल को पी जाओ इसको फॉलो करो और सक्सेस तुम्हें जो है वो डेफिनेटली मिलेगी अभी वन मंथ रह गया है सो डोंट डिपेंड ऑन मल्टीपल सोर्सेज रिलाई ऑन अस रिलाई ऑन योर नोट्स एंड लॉट्स ऑफ रिविजन Lots of practice of mocks and previous year question papers. I hope you enjoyed this video as much as I did interacting with you all. Take care, I will see you all very soon.